हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा लेक्चर सेकंड है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म और कुछ कम्यूटेशन रिलेशन जो कि एंगुलर मोमेंटम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार हम क्या जानते हैं? इन क्लासिकल फिजिक्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विथ मोमेंटम पी वेक्टर एंड पोजिशन आर वेक्टर इज डिफाइंड एज एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो हमारा क्लासिकल फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? आर क्रॉस पी, जिसमें कि आर क्रॉस पी का वैल्यू क्या होता था, आई जे के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते थे तो एक्स वाई जेड ऐसे करके हम लोग निकालते थे। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह का वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो आर क्रॉस पी का हमारा क्या हो जाएगा? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस एक्स पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का वैल्यूज मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैसे डील करेंगे। यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते थे, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बात करेंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम लोग दिखाएंगे एल कैप से, जो कि वेक्टर भी है। कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग आर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेटर फॉर्मलिज्म में? आर कैप से। और पी को, जो कि हमारा पोजीशन है, आर हमारा पोजीशन है और पी हमारा मोमेंटम है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई एच कट डेल वेक्टर। ठीक है, तो इस दोनों को रिप्लेस कर देंगे, इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आई एच कट आर क्रॉस डेल्टा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में और वाइटल एंगुलर मोमेंटम का हमें कुछ ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसी को डील करेंगे, इसी पे बात करेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स को हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कैसे दिखाते हैं? तो एल एक्स को हम लोग दिखाते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एल वाई को दिखाते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, और एल जेड को दिखाते हैं अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, क्लासिकली अगर आप देखेंगे तो एल क्रॉस एल जो होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली एल क्रॉस एल जो होता है वो आई एच कट एल होता है। ठीक है, तो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली हमारे हमें बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहा है, तो आप इसको याद रखिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कार्टिजियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे देख सकते हैं? नाउ रिप्लेसिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट बाय द इक्विवेलेंट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स वी कैन हैव। तो एलेक्स हमारा है अलोंग एक्स एक्सिस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोग कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में कुछ इस तरह लिखेंगे माइनस आई एच कट इन ब्रैकेट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई डेल वाई। ठीक है, उसी तरह स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? आई एच कट साइन फाई डेल बाई डेल थीटा प्लस कॉट फाई कॉस फाई डेल बाई डेल फाई। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा अलोंग एक्स एक्सिस, उसी तरह हो जाएगा हमारा अलोंग वाई एक्सिस, हम लोग कुछ इस तरह लिख देंगे। ठीक है, ये है अलोंग वाई एक्सिस, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी कुछ इस तरह हो जाएगा। और एल जेड के लिए देखिए आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एल जेड के लिए होगा माइनस आई एच कट एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा? माइनस आई एच कट डेल बाई डेल फाई। ठीक है, तो आप अगर ये याद रखेंगे, इससे कभी 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयर है, लेकिन ये याद रखेंगे तो सही रहेगा। नाउ एल स्क्वायर का हम लोग कैसे लिखते हैं कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में? तो इसका उतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका यूज़ आने वाला है, हमें एल स्क्वायर का यूज़ होने वाला है, तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को डील करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एल स्क्वायर का कार्टिजन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हमें वहाँ पर यूज़ पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दी हूँ। आप देखिए, माइनस एच स्क्वायर इन ब्रैकेट वन बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा इन टू साइन थीटा डेल बाई डेल फाई प्लस वन बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा एल स्क्वायर का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है एक डायमेंशन में नहीं हो सकता, क्लियरली द एंगुलर मोमेंटम डज नॉट एग्जिस्ट इन वन डायमेंशनल स्पेस, वी शुड मैंशन दैट द कॉम्पोनेंट्स एल एक्स एल वाई एल जेड एंड द स्क्वायर ऑफ एल। ठीक है, तो एल स्क्वायर के बदले कैसे हम लोग लिख सकते हैं कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में? हम लोग एक्स आर के बदले लिखते थे, तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कम्यूटेशन रिलेशंस भी देखते हैं।
तो यहाँ पे कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 1 नंबर में है। इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हमारा कम्यूटेशन रिलेशन है LXLYLZ का, तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब हम ये दोनों कम्यूटेशन रिलेशन करते हैं तो उसमें आगे आता है IH कट, ठीक है। IH कट आता है, और LXLYLZ कैसे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे LXLYLZ, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा कम्यूटेशन रिलेशन है LX और LY का, ठीक है, तो इस दोनों को कम्यूटेशन रिलेशन में अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा होगा LZ, ठीक है, मतलब IH कट LZ। उसके बाद फिर अगर आप LY और LZ में जा रहे हैं, जैसे कि LY से LZ, तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसका होगा IH कट LX, ठीक है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, जैसे कि हमें कम्यूटेशन रिलेशन दिया गया है, जैसे कि हमें चाहिए LY और LX का, ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा LY और ये है LX, तो आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका क्या होगा, LZ, LZ होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज में कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर आप LZ और LY के तरफ लेंगे तो फिर LX होगा, और यहाँ पे क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है तो माइनस होगा, और IH कट तो सब में लग रहा है, ठीक है, तो -IH कट LX, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है हमें याद रखने के लिए। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 नंबर है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और 4, 5, 6 जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखिए LXLY का कम्यूटेशन रिलेशन होगा IH कट LZ। आप इसको एक बार कॉपी में ज़रूर निकाल के देखिए कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको निकालने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन LXLY एंड LZ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ है वो हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं कर रहा है, ये सभी आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा LXLY LZ, कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो नहीं आ रहा है, ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस नहीं मिलेगा, एक्यूरेटली हम कुछ भी मेजर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एल स्क्वायर को लेंगे, जो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, तो वो अगर कंपोनेंट से आप कम्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे कि वो ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहा है, ठीक है। एल स्क्वायर LX भी कम्यूट कर रहा है, L² LY भी, L² LZ भी कम्यूट कर रहा है। दैट इज द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम्यूट विथ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो कम्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कुछ और कम्यूटेशन रिलेशन है, ये सबको मैं डिराइव करके नहीं दिखाई हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये सब डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और ये सब से रिलेटेड उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको कुछ ट्रिक्स याद रखने की, ये सब चीज़ आपको याद रहे। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है, एक सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा LX और PX, ठीक है, तो LX PX, LY PY, LZ PZ जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इसको याद रख पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो 1, 2, 3 हमारा हो जाएगा ज़ीरो, कम्यूट कर रहा है आपस में, ठीक है। तो 4, 5, 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो XY अगर होगा तो यहाँ पे जेड होगा IH कट PZ, YZ होगा तो यहाँ पे IH कट PX, और ZP है तो IH कट PY, ठीक है। ये कुछ सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप इसको डिराइव कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा LX और X, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो ज़ीरो हो रहा है, वाई का भी हो रहा है, जेड का भी हो रहा है, ठीक है। तो 7, 8, 9 जो है वो हमारा कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आप देखिए 10, 11, 12 में यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो XY यहीं पर आ गया है, तो जेड हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वैसे YZ यहाँ पे आ गया तो एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और ZX आ गया तो यहाँ पे वाई लिखेंगे। IH कट सब में आ रहा है, आप देखिए कॉमन है, ठीक है, तो ये और ये जो है वो कम्यूट कर रहा है, और ये कम्यूट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ कम्यूटेशन रिलेशन जिसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं अगर आप इस सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे तो।
सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।